बाद मनाया गया जश्न। मुख्तार अंसारी के गांव से आई चौंकाने वाली तस्वीरें। जी हाँ, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रही हैं, जो वीडियो आप देख रही हैं, ये गाजीपुर का बताया जा रहा है और गाजीपुर के उसी गांव का बताया जा रहा है जहां से ताल्लुक रखता था मुख्तार अंसारी। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के तुरंत बाद यहां के स्थानीय निवासियों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और कहा कि एक और माफिया से उन्हें निजात मिल गई। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके का सिक्का अतीक अहमद का था, उससे भी ज्यादा दबंग था मुख्तार अंसारी। हालांकि पिछले कुछ सालों से योगी सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया था, उसके साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लाख बहाने बनाए मुख्तार अंसारी ने जेल से निकलने के, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर न पैरोल मिल रही थी और न बाहर आने की इजाजत। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही गुरुवार देर रात खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया, उसके बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उसके नेता हैं जो इसे साजिश बता रहे हैं योगी सरकार की, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाकर अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान पूरे राज्य में रखा जाए। जुमे की नमाज पर बारीकी से नजर रखी जाए क्योंकि मस्जिद में इस दौरान जमावड़ा उमड़ेगा मुस्लिमों का, और अपने प्रिय मुख्तार अंसारी के समर्थन में कोई नारेबाजी ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे प्रदेश की जनता को नुकसान हो या उन्हें किसी भी अप्रिय चीज का सामना करना पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। ये निर्देश योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों को दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच गाजीपुर में पटाखे फूटने की खबर और इसके साथ ही वीडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब आपको समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने इसे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की साजिश बताया है। आईपी सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसटीएफ और जेल प्रशासन द्वारा एक गहरी साजिश को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ आईपी सिंह ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर तमाम बड़े नेता, वो सब सवाल उठा रहे हैं इस मौत पर। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले मुख्तार अंसारी ने ये खुलासा किया था कि जेल में उसे जहर दिया जा रहा है, ये जहर उसे खाने के जरिए दिया जा रहा है और वो महसूस कर रहा है कि उसके शरीर में बहुत से बदलाव हो रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच उसकी मौत की खबर उसके परिवार को और उसके चाहने वालों को तो जरूर हैरान परेशान कर रही है, लेकिन जिनका पैसा, जिनकी जमीन और जिनको दुख पहुंचाया मुख्तार अंसारी ने, वो सारे जश्न मना रहे हैं और शायद इसीलिए गाजीपुर से इस तरह की खबर सामने आई है। फिलहाल मुख्तार अंसारी से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इन जश्न की तस्वीरों को लेकर क्या राय रखते हैं? आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।